देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचडी न्यूज। जहां एक और मध्य प्रदेश में पूर्व के तीन चरणों में हुए मतदान में मतदान प्रतिशत कम बताया जा रहा था, वहीं इंदौर में चौथे एवं अंतिम चरण में हो रहे मतदान को लेकर इंदौर के एक भाजपा पार्षद ने मतदान कर आ रहे मतदाताओं को चाय पिलाकर अन्य मतदाताओं को न सिर्फ मतदान के लिए जागरूक किया बल्कि स्वच्छता सर्वेक्षण के साथ ही मतदान में भी इंदौर को नंबर वन बनाने की पहल मोदी फ्री टी रथ के माध्यम से की। इंदौर नगर निगम के वार्ड 64 के पार्षद एवं एमआईसी सदस्य मनीष शर्मा मामा ने वार्ड के मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से अपने कार्यालय के बाहर मोदी फ्री टी रथ में अपने हाथों से चाय बनाकर मतदाताओं को पिलाई। मतदाताओं के लिए शीतल जल की व्यवस्था करने के साथ ही दोपहर में शीतल पेय का वितरण भी किया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए पार्षद मनीष शर्मा मामा ने कहा कि अधिक से अधिक मतदान को लेकर पहले मतदान फिर जलपान के नारे को सार्थक करते हुए हमने लोगों को संदेश दिया है। वहीं भाजपा प्रत्याशी की जीत को लेकर मामा ने कहा कि हमारे नेता एवं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के कथन के अनुसार निश्चित रूप से भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी 8 लाख से भी अधिक मतों से चुनाव जीतेंगे। वहीं कांग्रेस द्वारा नकारात्मक रूप से नोटा का प्रचार करने पर श्री शर्मा ने कहा कि इंदौर की जनता हमेशा सकारात्मक राजनीति को पसंद करती है। जब नोटा में वोट डालने का कोई अर्थ ही नहीं है तो ऐसे में इंदौर की जनता निश्चित रूप से श्रेष्ठता का चयन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को लाखों मतों से विजयी बनाएगी। लोकतंत्र का महायज्ञ इंदौर में 13 मई को प्रारंभ हो चुका है। लोग बड़ी संख्या में मतदान करने भी निकले हैं और हम देख रहे हैं कि आपने चाय का एक स्टॉल लगाकर लोगों को चाय पिला रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने आज तय करा था कि जो मोदी फ्री टीरा थे उस पर जो भी मतदान करके आए हैं उनको फ्री चाय पिलाएंगे आज। और जैसा कि मोदी जी ने कहा था कि पहले मतदान फिर जलपान, तो मेरा सभी इंदौर के शहरवासियों से निवेदन है कि आप देश हित में मतदान करने ज़रूर जाएं। और एक किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इंदौर, मध्य प्रदेश और देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास करा है और किस देश को आगे बढ़ाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, इसके पहले की जो सरकार थी कांग्रेस की, सब जानते हैं, पूरा शहर जानता, पूरा प्रदेश जानता, पूरा देश जानता है कि उन्होंने सिर्फ विनाश करा है। और बिजली के नाम पे कुछ नहीं था, 18-20 घंटे पूरे प्रदेश में लाइट जाती थी, रोड सड़कें नहीं थी, बड़े बड़े गड्ढे हुआ करते थे, धूली धूल हुआ करती थी, पानी नहीं था, लेकिन हर घर नल में पानी देने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग सब विचार करके जाएं और देश हित में मतदान करें। प्रत्याशी विहीन हो चुकी कांग्रेस जो है नोटा का प्रचार कर रही है, किस देखिए मैंने अभी आपको बोला कि कांग्रेस किस प्रकार से भ्रमित करती है, सब जानते हैं, पूरा शहर जानता है कि कांग्रेस ने भ्रमित करा है। काम के नाम पे 0 सन्नाटा उन्होंने कभी इंदौर शहर को या प्रदेश को आगे ले जाने का कभी सोचा ही नहीं उन्होंने। आज इंदौर स्वच्छता में नंबर वन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, सरपंच हो, सब जनसेवा का भाव लेके, मन में जनसेवा का भाव लेके काम करते हैं, जनसेवा करते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी विकास करती है और जिस क्षेत्र में रहती है उस क्षेत्र को आगे ले जाने की सोचती है। और अंतिम व्यक्ति का जो विकास भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है कि अंतिम व्यक्ति का विकास हो, तो अंतिम व्यक्ति का विकास करने की सोच रखने वाली पार्टी। शंकर लालवानी कितने मतों से चुनाव जीत रहे हैं? देखिए, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने बोला है कि 8 लाख से ज़्यादा मतों से इंदौर में जीतेंगे तो जीतेंगे। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। एचडी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज।